प्रखंड सिसई के रंजीत नारायण सिंह सरस्वती विद्या मंदिर कुदरा में हिंदू जागरण मंच की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुकेश ताम्रकर के द्वारा की गई। हिंदू जागरण मंच के झारखंड प्रदेश प्रावर्तन प्रमुख श्री संजय कुमार वर्मा ने हिंदुओं को कुंभकर्ण निद्रा से जितना जल्दी हो सके जागने को कहा। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए लोगों को आग्रह किया, समाज के साथ होने वाले सभी घटनाओं का जिक्र किया। अपने सामाजिक कमजोरी का फायदा दूसरे समुदाय के लोग भरपूर ले रहे, जिसका परिणाम हम लोग को भोगना पड़ रहा। हम जितनी जल्द संगठन को मजबूत बनाएंगे जिससे कि कोई हिला नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में सिमडेगा निवासी संजू प्रधान को पीट कर जला दिया गया। मुकेश सोनी की हत्याकांड एवं बरही हजारीबाग के रुपेश पांडे हत्याकांड किया गया एवं दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। राज्य में सरकार ने हिंदुओं के प्रति दुर्व्यवहार कर रही है। सभी क्षेत्रों में घटना बढ़ गई है जिससे कि हिंदू जागरण मंच काफी दुख व्यक्त करती है। हिंदू जागरण मंच का जो आज बैठक हुआ है, यह बैठक सिसई प्रखंड में संगठन को पूर्ण मजबूत करने के लिए यह बैठक हुई थी, जिसमें 18 पंचायत के लोग उपस्थित थे। जागरण मंच आज सिमडेगा जिला में संजू प्रधान को जिंदा जलाया गया, साथ में उसी गांव के बगल में एक बड़ा ही परिवार का महिला को डाइन कह के जिंदा जलाया गया पुआल में फेंक कर। मुकेश सोनी को खलारी में रांची जिला में उनको खुलेआम गोली मारा गया। आज रुपेश पांडे को सरस्वती पूजा एक पवित्र विद्या देवी की पूजा के भसान में उसको जान से मार दिया गया। हिंदू जागरण मंच इसको घोर निंदा करती है और यह झारखंड नहीं पूरे भारत में हिंदू जागरण मंच आंदोलन करेगा और इससे मुमबिलचिन का जो जिस सरकार ने बनाया, आज तबरेज खान का जोरा हुआ तो पूरे देश में एक तरफ से उस पर मुमबिलचिन करके विरोधी ने इसका मुन आवाज़ उठाया, लेकिन रुपेश संजू प्रधान मुकेश सोनी ऐसी हत्याएं हुई मोमबिलचिन के द्वारा आज मौन साध दिया है। यहाँ सरकार जो यहाँ जो झारखंड की सरकार चल रही है, दो ही मंत्रियों के इशारे पर सरकार चल रही है और यह हिंदू विरोधी सरकार है। मेरा नाम संजय कुमार वर्मा हुआ, हिंदू जागरण मंच झारखंड प्रदेश परावर्तन प्रमुख, जागरण मंच प्रदेश महामंत्री। आज सिसई प्रखंड अंतर्गत कुदरा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में संगठनात्मक दृष्टिकोण से पूरे प्रखंड के पंचायत स्तर पर हिंदू जागरण मंच के संगठन को सशक्त एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला के रूप में यहां बैठक रखी गई। आने वाले दिनों में हिंदू समाज पर विभिन्न तरह के जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मॉब लिंचिंग के द्वारा, अभी जो हाल फिलहाल में रुपेश पांडे, संजू प्रधान, मुकेश सोनी, ऐसे बहुत सारे जो घटनाएं हिंदू समाज में घट रही है और यहाँ की जो वर्तमान अभी सरकार है वो मूक दर्शक बनी हुई है, इस सारे विषयों को रखकर हिंदू समाज को जागृत करना, हिंदू समाज को प्रहरात्मक शक्ति के साथ समाज में हो रहे अन्याय एवं सामाजिक धार्मिक हर दृष्टिकोण से हिंदू समाज पर जो प्रहार हो रहा है, इन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए हिंदू समाज को जागृत कर और हम इसका जवाब देने के लिए प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक पंचायत में अपना संगठन को मजबूत करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।